ऊपर जाएंगे प्राइस ऊपर जाएगा, जितना हम नीचे बुक करेंगे उतना चीप रहेगा स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स क्या बजट में आता है। तो डिफरेंट रेंजेस हैं, आपको नीचे रहना है लोअर ग्राउंड फ्लोर पे रहना है, आपको हायर फ्लोर पे रूम बुक करना है। ये है सारा गेमिंग रूम, मतलब जबरदस्त है यार, यहाँ पे आके खेलो, टेबल टेनिस खेलो, एट बॉल पूल खेलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दिलहर रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यार अकोमोडेशन से रिलेटेड वीडियो बना दो, कि अकोमोडेशन कितने की मिलती है और हम जो है वो अगर पाकिस्तान या इंडिया से बुक करते हैं तो वो कैसे बुक करनी है, उसका क्या प्रोसीजर होता है और रेंट वगैरह कितना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आए हैं अकोमोडेशन के पास और ये है एक अकोमोडेशन, और ये जो है वो मेन सिटी सेंटर के पास है। लाइक कि आपको 5-10 मिनट की वॉक पर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बस स्टेशन भी है और ट्रेन स्टेशन वगैरह भी है। तो आए आज आपको इसका विजिट करवाएंगे, उसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि इसकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, रूम किस तरह के होते हैं और इनके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उसको मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ये सूटेबल करती है, बाकी अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है या बीबीपी यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। टोटल 10 मिनट की वॉक पर ट्रेन स्टेशन भी है और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। तो हाय गाइस, माय नेम इज मोहित, सो आई एम जस्ट हेल्पिंग तलहा को। हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक फेमस प्रॉपर्टी है, पसंद करते हैं सब यहाँ पे। और क्या कहें सर, मैंने लाइक अंबर अकोमोडेशन जो है वो यूके में, बल्कि यूके में क्या, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, काफ़ी सारे जो है वो कंट्रीज़ में अकोमोडेशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो यूके में भी इनके जो है वो मोस्टली हर सिटी में अकोमोडेशन है। तो मैं बर्मिंघम से हूँ तो मैंने सोचा कि इनसे कॉन्टैक्ट किया जाए, तो इन्होंने चांस दिया है कि आप हमारी अकोमोडेशन में आके वीडियो बना सकते हैं। तो ये है आपका भाई, आज दिखाएंगे आपको अकोमोडेशन। तो अभी रूम देखेंगे हम, इसके पास कौन सा रूम है बताइएगा। ये वाला ऑनसुइट रूम है, इसको हम बोलते हैं प्लैटिनम ऑनसुइट रूम। हमारे यहाँ पे डिफरेंट रेंज के रूम है, लाइक डिफरेंट टाइप्स रूम्स हैं कि जैसे ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड, कॉपर, डिपेंड अपॉन प्राइस, कितने प्राइस है आपको, क्या स्टूडेंट्स की क्या बजट में आता है। तो डिफरेंट रेंजेस हैं, आपको नीचे रहना है, लोअर ग्राउंड फ्लोर पर रहना है, आपको हायर फ्लोर पर रूम बुक करना है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। वो हम आपको बाद में वीडियो गेम में बता के दीजिए। चलते हैं, चलते हैं। देखिए हमारे पास आई टी प्रॉपर्टी में जो ऑन सुइट्स हैं वो क्लस्टर ऑफ 4, 5 और 6 रूम्स हैं। ठीक है, एक फ्लैट में 6 स्टूडेंट्स भी रहते हैं, एक फ्लैट में 5 भी रहते हैं, एक फ्लैट में 4 भी हैं। ये वाला जो रूम है ये इसमें 5 रूम है, जिसमें एक रूम में चलते हैं, इस रूम में आइए। तो इस रूम में हमारे पास ये देखिए बोलते हैं, तो ये है भाई रूम और ये आपका भाईजान, यहाँ पे स्टडी टेबल लगा हुआ है और ये आपका आ जाता है बेड, जो कि काफ़ी किंग साइज का बड़ा बेड है, सिंगल बेड से काफ़ी बड़ा है। ये आपका रैक आ जाता है, आपने यहाँ पे शूज़ वगैरह अगर रखने हैं तो। और ये आ जाता है आपका टॉयलेट, ये आपका बाथ एरिया। ये बेड आ गया, ये आपकी लगी हुई है हीटिंग और ये यहाँ से कुछ पूरा आपका बर्मिंघम सिटी नज़र आता है, ये देख लो भाई। हमारे पर रूम जो है वो सेम लेआउट की है, सेम डिज़ाइन है, सेम साइज है, सब कुछ सेम है। ठीक है, ऑन सुइट रूम्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि आप कौन से फ्लोर पर रूम बुक करते हैं, तो जितना ऊपर जाएंगे प्राइस ऊपर जाएगा, जितना हम नीचे बुक करेंगे उतना ही चीप रहेगा। ओके ओके ओके, ऐसे है यहाँ पे, ऐसे इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पे। ओके, मतलब व्यू के पैसे हैं, जितना ऊपर जाके अच्छा व्यू लेने हैं उतने पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ओके, व्यू अगर नहीं देखना तो कोई मसला नहीं है, सस्ती वाली ले लो, नहीं सस्ती वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंट अलग अलग च्वाइस होते हैं स्टूडेंट्स की, कुछ स्टूडेंट है उनको
मतलब अपने दोस्तों के साथ रहना है और हायर फ्लोर पे रहना है उनके लिए भी रूम है, जिन स्टूडेंट्स को बेचारा एक स्टूडेंट आया है उसके फ्रेंड भी नहीं है कुछ नहीं है, उसको खाली रूम चाहिए बहुत अच्छा सा बढ़िया सा नाइस डिसेंट रूम, तो वो लोअर फ्लोर पे डिसेंट रूम बुक कर सकते हैं। ये है जनाब कॉरिडोर, यहाँ पे मतलब सारे रूम्स हैं सेपरेट सेपरेट, और ये रास्ता जाता है किचन की तरफ। ये है किचन एरिया, यहाँ पे बैठ के अपना खाना पीना करो, और ये सिटिंग एरिया, यहाँ पे LCD लगी है, यहाँ पे खाना पीना करो और यहाँ पे साथ मूवियाँ देखो। और ये फ्रिज है, और मतलब लाइक दो तीन पोर्शन है, ये शेयर्ड होता है इसलिए हर बंदे का अपना अपना एरिया होगा। और ये यहाँ पे चूल्हा वगैरह लगा है, ये यहाँ पे सिंक आ गया, और ये यहाँ पे आ गया आपका माइक्रोवेव। और ये इलेक्ट्रिक होता है यहाँ पे, साथ इसके नीचे ओवन भी है। और ये है यहाँ से व्यू बाहर का, ओह माय गॉड जबरदस्त, उधर से थोड़ा व्यू नजर आता है, किचन में आके बैठो तो यहाँ से आपको इस साइड की भी जगह सारी नजर आएगी। ये सिटी सेंटर व्यू है, ये सारा सिटी सेंटर का व्यू है, इस तरफ जाओ तो सिटी सेंटर है, वो सामने पुल रिंग आता है, और उधर ही कहीं दरम्यान में जाके हमारी यूनिवर्सिटी आती है गरीबों वाली, PPP यूनिवर्सिटी। 10th फ्लोर है इनके, और नीचे रिसेप्शन है, स्टडी रूम है, लॉन्ड्री है, और बिन स्टोर है, उसके अलावा ये सॉरी ये इंडोर गेम्स वगैरह भी मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको करवाते हैं, इसके अलावा बाइक स्टोर है, और ये मतलब अभी दिखाते हैं आपको नीचे जाके, तो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भाई बाइक स्टोरेज है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक कि आपकी जो अकोमोडेशन है उसके रेंट में ये इंक्लूडेड होती है, तो यहाँ पे अपनी सेफली आराम से खड़ी करो, कोई चोरी वगैरह का कोई डर नहीं है। स्टूडेंट्स को इवनिंग के टाइम अपने दोस्तों को यहाँ लेके आना है या उनको फ्री टाइम अपने स्पेंड करना है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे सब इंडोर फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो भाई ये है सारा गेमिंग रूम, मतलब जबरदस्त है यार, यहाँ पे आके खेलो, टेबल टेनिस खेलो, एट बॉल पूल खेलो। बड़ी खूबसूरत जगह है, प्यारी है। और ये एरिया भी मजे का है, यहाँ पे आओ बैठो अपना मूवी देखो, सिनेमा रूम है। जबरदस्त सही लग्जरी वाइब आ रही है यहाँ पे। जो है वो लेटर्स बॉक्स हैं कि स्टूडेंट का अगर लेटर आता है तो उनके रूम के अकॉर्डिंग जो है वो उनके प्रॉपर बॉक्स में उनका लेटर आएगा। ये है भाई सारा कोर्ट यार्ड, मतलब कमरे में बैठ के तंग हो गए हो तो इधर आओ बैठो चिल करो, अपना खुला माहौल है। और ये है अकोमोडेशन आपकी सारी, और यहाँ पे बैठो चिल करो, अच्छी जगह है बैठने के लिए, धूप लगवाओ अगर ठंड लग रही है तो। वाह जी वाह जबरदस्त, पैसे कमा लेना आपका भाई, अच्छे सारे जॉब लग जाए फिट सी, तो फिर उसके बाद ऐसा एक स्टूडियो रूम लेके चिल मारना है हमने भी। ये है आपका बेड, और ये आपका छोटा सा सोफा, बैठ के चिल मारो, और यहाँ से भी व्यू अच्छा है। ये आपका स्टडी टेबल आ गया, आपकी प्राइवेट LCD आ गई, और ये आपका भाई आ गया, और ये यहाँ पे अपने लैपटॉप्स वगैरह लगाओ, फोन वगैरह चार्जिंग पे, ब्रेकफास्ट, हाँ ब्रेकफास्ट करो बैठ के, हम फोन भी चार्जिंग पे लगा सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक स्टोव आ गया, इलेक्ट्रिक स्टोव आ गया, और ये सिंक प्राइवेट, और ओवन आ गया। ये है आपकी कैबिनेट, और ये है जनाब आपका फ्रिज, फ्रिज भी और फ्रीजर भी, 2 in 1।
और ये आपके पास दूसरी क्या, अपने कपड़े भी टांगो और यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह रखो। अच्छी खासी स्पेस है, पाकिस्तान से बैग भर के लाओगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आराम से। और ये है जनाब टॉयलेट। ज़बरदस्त। और ये आपका आ गया बाथ एरिया। ये है स्टडी रूम, अगर आपको अपने रूम में नहीं पढ़ना, बैठ बैठ के तंग आ गए हो या दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ना है तो यहाँ पे आओ। और अच्छी जगह है ये भी, चिल मारो, बैठ के अपना पढ़ो, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करो। जैसे वो एक भाई पढ़ रहे हैं इसलिए हमने उनको डिस्टर्ब नहीं करना। प्यारी जगह है ये भी, चिल मारो यहाँ से बैठ के, बारिश लगी हुई है तो बैठ के बारिश इंजॉय करो। स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आके वो कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और चेक इन चेकआउट भी यहीं से होता है। तो भाई ये था सारा अकोमोडेशन टूर, आपको रूम भी दिखा दिया, स्टूडियो अपार्टमेंट भी दिखा दिया और स्टडी एरिया भी दिखा दिया। यहाँ पे फैसिलिटीज सारी हैं, अकोमोडेशन बेस्ट है, 5-10 मिनट की वॉक पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। स्टेशन भी पास है, बस स्टेशन भी पास है, ट्रेन स्टेशन भी पास है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सारी पास हैं। एस्टर्न यूनिवर्सिटी इसके बिल्कुल सामने है और जो हमारी गरीबों वाली यूनिवर्सिटी है वो यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट की वॉक पे है। तो यही थी सारी वीडियो अकोमोडेशन से रिलेटेड। बुक कैसे करनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, गो एंड चेक दैट आउट और अकोमोडेशन बुक करें वहाँ से। आपको इसके अलावा भी काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, लाइक कि अगर मैं मतलब पूरी अकोमोडेशन को मैं तो कवर नहीं कर सकता वीडियोस में, लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको हर किस्म का रूम मिल जाएगा कि क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, उसका रेंट कितना है। तो यही थी आज की वीडियो एंड होप कि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज अल्लाह साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। रेंट कितना है पर बुक कैसे करनी है डिस्क्रिप्शन बुक कैसे करनी है।